खबर उड़ीसा के क्योंझर जिले से है, जहां बडबिल के एक इजी इंस्टॉलेशन नामक मोबाइल कंप्यूटर की दुकान से चोरी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में चोरों ने सबसे पहले दुकान के बाहर लगे कैमरे को ऊपर कर दिया, फिर शटर का लॉक तोड़कर दुकान से कई नए मोबाइल फ़ोन, हैंडसेट, कैमरा समेत मरम्मत के लिए आए कई मोबाइल साथ ही हैंडसेट्स को चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते होंगे कि किस तरह से चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना को लेकर दुकान के मालिक सोनू शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उड़ीसा के केंद्र जिले के बडबिल शहर से सज्जाद आलम की रिपोर्ट। सर आपका नाम? नाम सोनू शर्मा। क्या घटना हो गया आपका दुकान पे? सुबह हम 7 के आसपास आए दुकान, देखे तो आधा समय टूटा हुआ था। उसके बाद हम पुलिस वाले को डायरेक्ट फ़ोन किए, उसके बाद पुलिस वाला थोड़ी देर बाद आए, अभी सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद वो बोले हैं कि साइंटिफिक टीम भेजेंगे। अच्छा, क्या लगता है कितना का चोरी हुआ होगा? मेरे अनुमान 30 तो नया मोबाइल गया, एंड्रॉइड फ़ोन, और कस्टमर का फ़ोन मिनिमम 50-30 होगा, डेड मोबाइल, चालू मोबाइल टोटल मिला के, और प्लस 10 तो DSLR कैमरा नहीं है।